हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो सीएस 2022 का नशा बहुत से लोगों पे अलग अलग असर कर रहा है। कल हमने देखा कि आसूस वालों पे ये किस तरह का असर कर रहा था, एंड आज हम बात करेंगे एसर के बारे में। सो इस बार एसर ने भी कुछ नए लैपटॉप्स के अंडों को निकाला है सीएस से प्रेरित होकर के, जिसमें से आज हम स्पेसिफिकली गेमिंग लाइनअप प्रीडेटर, ट्राइटन, हेलियोस एंड निट्रो 5 के आने वाले नए प्रजाति पे विशेष ध्यान देंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर क्विक अपडेट्स। से पहले तो इस बार निट्रो एकदम से नए डिजाइन में आने वाला है, एंड आई गेस एसर वालों का जो पुराना चासी का गोदाम था वो आखिरकार खत्म हुआ। इस बार का डिजाइन इज रियली इंप्रेसिव, एंड हर बार की तरह आप लैपटॉप को देख के नहीं बोल सकते कि ये वही अपना पुराना शकुनी मामा है या फिर कोई और नया। सो निट्रो आपको दो वेरियंट में आएगा, वन विद 15.6 इंच स्क्रीन एंड अदर 17.3 इंच स्क्रीन के साथ में। ऑल्सो ये QHD ले सकते हैं या फिर 1080p वर्जन भी ले सकते हैं आप इन दोनों में। जहां एज पर सूखा बहता हवा 15.6 इंच वर्जन शायद मार्च तक आएगा US में विद स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 1050 USD, एंड अप्रैल में 17.3 इंच वाला वर्जन लॉन्च हो सकता है विद स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 1100 USD। आगे इसमें केंद्रित शक्ति के संचालक के रूप में आपको मिलेगा इंटेल का नया सुपर सैयन कोर i5 12500H और 12700H ऑन टॉप मॉडल। AMD मॉडल भी आएगा इसके साथ में, जहां आपको मिलेगा AMD 6000 सीरीज अप टू 6800H एंड लोअर में शायद Ryzen 5 6600H। ये दोनों ही इस बार एकदम आपको सफलता की ऊंचाई पे ले जाने लायक टीका लगा के तैयार होकर के आने वाले हैं विद अप्रोक्स एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए। इवन प्राइस भी इंटेल वाले मॉडल का शायद इस बार एकदम एक किडनी के अंदर आ जाने लायक बन करके आएगा। नेक्स्ट, GPU के रूप में आपको मिलेगा अप टू 3070 Ti, मतलब गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, मॉडलिंग, रेंडरिंग, ये सब तुम्हारे GPU का गुलाम बन करके रहेंगे एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल तक। आई अज्यूम के शायद लोअर मॉडल में RTX 3050 ही आएगा। नेक्स्ट, रैम का थोड़ा झाम हो गया है इंटेल वाले वर्जन के साथ में। इसमें आपको कम वाला DDR4 वेरिएंट देखने को मिलेगा। वैसे तो इंटेल DDR5 कैपेबल है, बट शायद हो सकता है कुछ प्राइस में फर्क करने की वजह से इसमें आपको DDR4 ही मॉडल दे रहा है वो। सो दोनों में आपको 32GB तक अपग्रेडेबल करने लायक दो SODIMM स्लॉट्स मिलेंगे, बट AMD आपको DDR5 के सारे नए सदस्यों के साथ ही घर बना करके देगा। वहीं इंटेल ने थोड़ा अलग स्टेप लिया है, बट वाइल बाइंग ये बात जरूर दिमाग में रखना। स्टोरेज इंटेल में आपको PCIe Gen 4 का 2 स्लॉट्स मिलेगा विद हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड AMD वाले में Gen 4 का 1 एंड Gen 3 का 1 स्लॉट मिलेगा SSD का एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये देखना है कि क्या इस बार भी निट्रो अपना परंपरा अनुशासन के अनुसार 7200 RPM वाला हार्ड डिस्क ड्राइव देता है या नहीं। हार्ड डिस्क ड्राइव तो है, कंफर्म वही होना चाहिए। आपका विचार कमेंट सेक्शन में जरूर प्रस्तुत करें। बाकी पोर्ट्स में आपको इंटेल बेस्ड लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 मिलेगा, AMD में आपको थंडरबोल्ट 3 एंड USB 4 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अपना प्रेडेटर ट्राइटन 500 SE, जहां SE स्टैंड्स फॉर स्पेशल एडिशन। इसमें आपको 16 इंच का WQSGA रेजोल्यूशन 240Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा, जहां 3 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम हो सकता है। इसके साथ 500 nits ऑफ ब्राइटनेस एंड 100% DCI-P3 कलर गामोट प्लस NVIDIA G-Sync का पारिवारिक लाभ मिलेगा। इसके बाद ये सिर्फ इंटेल के मॉडल के साथ आएगा, जिसमें आपको 12th जनरेशन का ही प्रोसेसर मिलेगा अप टू कोर i9 प्रोसेसर एंड GPU में टिल RTX 3080 Ti। साथ में इसको ठंडा रखने के लिए यू विल गेट 5th जनरेशन ऑफ एरो ब्लेड 3D। इसमें आपको 89 मेटल ब्लेड्स मिलेंगे। इसके साथ एसर का वर्टेक्स फ्लो टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट मिलेगा, जो कि बेसिकली 3 फैन के साथ में आता है। ये पूरे लैपटॉप को अंदर से कश्मीर बना करके रखेगा, एंड ये टेक्नोलॉजी उन जगह पर भी हवा पहुंचाता है जहां जरूरी है, लाइक CPU, GPU एंड SSDs। अब इस मॉडल में 3 फैन है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, बट वर्टेक्स कूलिंग टेक्नोलॉजी के अनुसार 3 फैन होने चाहिए, एंड मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, क्योंकि भाई इसमें RTX 3080 Ti तक का GPU आने वाला है, जिनको ठंडा रखने के लिए सच में टाइटेनियम के चने चबाने पड़ सकते हैं आपको। इसके साथ एज पर फ्यू लीक्स शायद इसमें आपको लिक्विड मेटल मिलेगा ऑन CPU विद 4 हीट पाइप्स। नेक्स्ट, ये सारे लैपटॉप्स विल कम विद विंडोज 11 ओनली, एंड चाहिए भी, क्योंकि इंटेल एंड AMD दोनों ने ही विंडोज 11 के साथ बहुत मेहनत करके एकदम बेहतरीन फीचर्स के सपोर्ट के साथ में CPU बनाया है इस बार। इसके बाद ट्राइटन इस बार 99.98 वाट आर बैटरी के साथ आएगा, जो कि जानलेवा बैकअप देगा आपको। इसके साथ लैपटॉप के साथ साथ आप चाहे तो अपना इलेक्ट्रिक कार, घर एंड पड़ोस का नाइट बल्ब, इन सबको चला सकते हैं। इसके साथ वाईफाई 6E जो कि बैंड 6 का सपोर्ट के साथ आना चाहिए। ये था कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्राइटन। अगर ये सब के साथ ये सच में आता है तो लीजन एंड इसमें द्वंद्व युद्ध होने की पूरी संभावना है।
है, बट जीतेगा तो शायद लीजन ही। यह डिसाइड होगा प्राइस लीक होने के बाद में। अब लीजन जो आने वाला है 2022 वर्जन का, उसका प्राइस कितना होता है उस पर यह बहुत कुछ डिपेंड करता है। वैसे तो ट्राइटन का प्राइस फिलहाल 2300 USD नॉर्थ अमेरिका में हो सकता है एंड मे बी ये मार्च में लॉन्च होगा। इसके बाद अपना हेलियोस, जो कि लास्ट ईयर काफी घरों में अपना छाप बना चुका है विद इंटेल भैया, एंड इस साल भी इंटेल के साथ ही देगा वो। इसमें 12th जनरेशन का ही प्रोसेसर मिलेगा अप टू Core i7, अनलाइक ट्राइटन जो कि Core i9 तक को डब्बा में भरने के प्लान में है। स्क्रीन साइज बढ़ाया गया है, लाइक इट विल कम विद 17.3 इंच स्क्रीन। रेजोल्यूशन आपको QHD ही मिलेगा विद 165Hz रिफ्रेश रेट। इसमें सिर्फ दो ऑप्शन आएंगे GPU के लिए, लाइक 3070 Ti एंड RTX 3080। 32GB DDR5 RAM जो कि 4800MHz की फ्रीक्वेंसी पे बजेगा दंदनाते हुए। स्टोरेज के लिए मिलेगा अप टू 2TB Gen 4 SSD एंड शायद ये पूरा ही RAID 0 स्टोरेज में मिलेगा। RAID 0 मीन्स इसका रीड एंड राइट स्पीड काफी बेहतरीन रहेगा, बट यू कैनॉट हैव बैकअप ऑफ योर वर्क, सो मे बी आपको ऐसे डेटा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यू हैव टू टेक इट ऑन योर पर्सनल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, या तो फिर क्लाउड में बारिश से बचा करके कहीं सेव करना पड़ेगा आपको। इस बार एक स्पेशल फील दिया है हेलियोस में। इसमें पाम रेस्ट के पास में हल्का LED लाइट का स्ट्रिप मिलेगा जो कि नीचे की तरफ जलता रहेगा। आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं प्रेडेटर सेंस के थ्रू। बाकी कीबोर्ड तो फुल साइज है ही पर की RGB के साथ। इसमें आपको Wi-Fi 6 एंड किलर का ईथरनेट भी मिलेगा। बाकी कूलिंग के लिए इसमें भी 5th जनरेशन का एरोब्लेड 3D फैन ही मिलेगा। इसका प्राइस आपको 1650 USD स्टार्टिंग हो सकता है इन नॉर्थ अमेरिका फॉर 15.6 इंच लैपटॉप एंड मे बी ये मे तक लॉन्च होगा। सो ये था इस बार का एसर का लैपटॉप जो कि आपका मन लुभाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर के ईयर मिड तक इंडिया के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आपका क्या कहना है कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।